वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम ईद स्पेशल में सेवैयों का एक अलग अंदाज से मीठा बनाएंगे, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। यहाँ देखिए हमारे पास एक पॉट है, इसका हम चूल्हा ऑन कर देते हैं। फ्लेम रखिए मीडियम लो और लो के दरमियान। तो इसमें अब हम डालेंगे अराउंड 1 टेबल स्पून तेल। अगर आप चाहें तो इस जगह बटर भी ले सकते हैं और घी भी ले सकते हैं, फील फ्री। तेल हमारा थोड़ा सा गर्म हो गया है तो इसमें हम मिक्स नट्स डालेंगे, 4 टेबल स्पून के आसपास है, जिसको मैंने रफली चॉप कर दिया है। इसको रोस्ट कर लेंगे। हमारे पास नट्स में था बादाम, पिस्ते, काजू और अखरोट। आप फील फ्री जो भी आपको डालना हो डालें, सिर्फ बादाम डाल दें, पिस्ते डाल दें, मिक्स डाल दें, अलग कोई चीज़ रखी हुई है वो डाल दें। नट्स को खुशबू आएगी जब तक फ्राई करेंगे, लेकिन ज़रा भी जलने नहीं देंगे। नट्स को जब भी रोस्ट करते हैं तो उसकी खुशबू इन्हेंस हो जाती है, और जब वो बर्न हो जाते हैं तो फिर ना पूछें, इससे अच्छा तो नहीं डाला होता तो अच्छा था, ऐसी सिचुएशन हो जाती है। देखिए खुशबू आना शुरू हो गई है, अराउंड हमने 2 मिनट इसको सॉटे किया होगा, तब इसमें हम डाल देंगे 2 टेबल स्पून किशमिश। किशमिश साथ नहीं डालेंगे क्योंकि किशमिश जो है वो फास्ट हो जाती है रोस्ट। चूल्हे को बिल्कुल स्लो करते हैं और नट्स को निकाल लेते हैं। चले अब सेम पैन में हम डालेंगे अराउंड 2 टेबल स्पून तेल। अगर आप चाहें तो अगेन बटर या घी डाल सकते हैं। और इसमें अब हम डाल देंगे सेवैयाँ। सेवैयाँ हमारी टूटी हुई इस तरह से हाथों से हमने तोड़ दिए, 100 ग्राम्स है, 1.5 कप के आसपास। तो इसको भून लेंगे। फ्लेम हमारी मीडियम लो है। सेवैयों को हम अंदाजन 2-3 मिनट तक रोस्ट करेंगे, जब तक कि इसका एक खूबसूरत सा कलर ना आ जाए। वैसे तो रोस्टेड ही है लेकिन मुझे हमेशा थोड़ी सी गहरी ज़्यादा अच्छी लगती है। अगर आपकी ये रोस्टेड नहीं है तब तो और भी ज़्यादा भूनना होगा, अराउंड 5-6 मिनट। कलर से ही पता चल जाता है, लाइट कलर की सेवैयाँ हैं तो इसका मतलब भुनी भी नहीं है। वैसे तो मैंने हर ईद पे अलग अलग तरह की चीज़ें दी है सेवैयों से रिलेटेड। सेवैयों का ज़रदा भी बनाया है, शीरखुरमे बनाए हैं, लब शीरी वगैरह बनाया है। सबका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, और इससे जो मिलते जुलते जो शीरखुरमे है उसका लिंक मैं यहाँ देती हूँ, वो आप देख लीजिएगा। देखिए सेवैयों का शेड जो है वो डार्क हो गया है, तो इसमें से हम लेस देन हाफ जो है वो थोड़ी सी सेपरेट कर लेंगे। और अब चूल्हा सेवैयों का स्लो करते हैं और इसमें डालेंगे 1 लीटर दूध, यानी 4 कप। मेरा दूध जो था रूम टेम्परेचर था, साथ ही इसमें हम डाल देंगे 1/4 टीस्पून इलायची का पाउडर। साथ ही इसमें हम डाल देंगे 1/2 कप शक्कर। अगर आपको कम मीठा खाना है तब आप 6 टेबल स्पून भी डाल सकते हैं, और अगर ज़्यादा मीठा खाना है तो डेफिनेटली ज़्यादा डाल सकते हैं। तो बस इसको हम थोड़ा पकने देते हैं। चूल्हा हमारा है लो। तो यहाँ देखिए स्लो स्लो हमारा दूध और सेवैयाँ जो है वो पक रही थी, 5-6 मिनट हो गए इस बात को। तो अब हम इसमें डालेंगे एक स्पेशल इंग्रेडिएंट, वो ये है कि 2 टेबल स्पून वेनिला कस्टर्ड पाउडर है, उसके अंदर हम डालेंगे 4 टेबल स्पून दूध और उसको घोल लेंगे। दूध हमारा ठंडा है, अच्छे से घोल लेंगे जब तक के दोनों मिल ना जाए। और अब
ये कस्टर्ड पाउडर हम डाल देंगे अपनी सेवइयों में, आहिस्ता आहिस्ता डालेंगे और एक हाथ से चम्मच चलाते जाएंगे। कस्टर्ड पाउडर के साथ पकाएंगे और अब चम्मच नहीं छोड़ेंगे, इसको लगातार हम चलाते रहेंगे। ये बहुत जल्दी जो है राइट कंसिस्टेंसी पे आ जाएगा जैसी हमें चाहिए। चम्मच हमेशा कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद नीचे तक चलाते रहें ताकि वो तले में बैठे नहीं। ये इतना सिंपल डिज़र्ट है और इतना यूनिक भी लगेगा, ईद पे बड़ा मज़ा आएगा। अच्छा, अब इसमें इस पॉइंट पर हम डाल देंगे एक टेबल स्पून पिस्ता और एक टेबल स्पून बादाम जो है वो स्लाइस में कटा हुआ। ये देखें बिल्कुल राइट कंसिस्टेंसी हो गई है। अब चूल्हे को हम 30 सेकंड के लिए बिल्कुल तेज़ कर देंगे हिलाते हुए और चूल्हे को बंद कर देंगे। अब आ जाते हैं जिस सर्विंग डिश में हमें बनाना है उसकी तरफ। इसको इंडिविजुअल भी बना सकते हैं और एक बड़ी डिश में भी बनाया जा सकता है, तो मैं दोनों ही तरीके से बनाऊँगी। तो यहाँ देखें हमारे पास केक रस्क है, आप कुछ भी ऑप्शन ले सकते हैं। कोई कुकीज़ आपके पास पड़े हुए हो तो वो ले सकते हैं, केक घर में रखा हुआ हो वो ले सकते हैं, रस्क ले सकते हैं। तो ये जो है मैं यहाँ तोड़ के इस तरह डालूंगी। और अगर आपने मेरे रस्क की रेसिपी नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक देती हूँ, यहाँ बड़ा ईजी है, मज़ेदार सा है। तो ये डिश के बॉटम में डालेंगे हम, तो बस क्राउडेड नहीं करेंगे। ये हमने तीन रस्क जो है वो इसमें डाल दिए हैं और सेम इसी तरह ये बोल में भी डाल देंगे। ये चला गया और अब ये हमने तेज़ किया था ना, तो गर्मा गर्म हमें ये पोर करना है अपने रस के ऊपर, या कुकीज़ हो तो उसके ऊपर, केक हो तो उसके ऊपर। तो करीब ले लेंगे और ये इस तरह से डालेंगे। तो कंसिस्टेंसी हमें इतनी थिक चाहिए ताकि वो हमारा केक या केक रस्क या कुकीज़ भी सॉफ्ट हो जाए और फिर ठंडा होने के बाद एक राइट कंसिस्टेंसी पे आ जाए। में भी डाल देंगे। ये हो गया और अब ये जो हमने फ्राई करके क्रंची सेवइयां निकाली थी ना, वो आसपास हम यूं डेकोरेट करेंगे। सेम इसी तरह से यहाँ भी कर देंगे आसपास। ये हो गया और अब हमने जो अपने नट्स को फ्राई किया था उसको सेंटर में डालेंगे इस तरह से। इसके भी छोटे वालों के भी सेंटर में डाल देंगे। तो ये हो गया रेडी। तो देखा कैसे झटपट सिंपल वे में अट्रैक्टिव सा, यमी सा हमारी सेवइयों का डिज़र्ट बन गया, मानते? तो चलिए मैं ट्राई करती हूँ गरम गरम और आपको बताती हूँ कि कैसा लगता है। मैं, मुझे याद है कुछ साल पहले की बात है, मैं कहीं गई थी तो वहाँ गरम सर्व हो रहा था, उसका एक अपना मज़ा था। अब मेरा पर्सनल जो पसंद है वो ठंडी है, लेकिन आज मैं ये ट्राई करती हूँ और बताती हूँ कि कैसा लग रहा है, क्योंकि टाइम नहीं है ठंडा करने का। माइंड ब्लोइंग। क्रंची सेवइयाँ नीचे तक, रस्क और ये टेक्सचर जो सेवइयों का है, बहुत गर्म नहीं है, बिल्कुल ही रूम टेम्परेचर टाइप का हो गया है। आहा,
खतरनाक ही आप लोगों के लिए। हर चीज़ एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही है। भुने हुए नट्स, क्रंची सेवैया, वो गुई गुई सा हमारा केक रस्क हो गया है, और सेवैया का भूनने का जो था ना फ्लेवर, खतरनाक है। बनाए बनता है तो चले जल्दी जल्दी जाए बनाए, सबको पागल शागल कर दे और आप भी हो जाए कि इतनी जल्दी बन गया। मज़े करे और मज़े करवाए। अच्छा चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।